الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله مل کے پڑھیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شان است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ آٹھ محرم ہے مخصوص دن ہے کوئی محروم نہ رہ جائے ذکر حسین سے جو آج بھی ذکر حسین سے محروم رہ گیا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اس وقت باواز بلند پڑھیے بیمار بندہ وہ آہستہ پڑھ لے پڑھے وہ بھی جوان سینے کا زور لگائے شاست حسین بادشاہ کیا خواجہ غریب نواز نے کیا کمال کر دیا بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے منطقی بڑے بڑے علامہ فہامہ بڑے بڑے پروفیسر سکالر ان کی عقل یہاں موف ہو گئی کہ غریب نواز نے کیا کہہ دیا حسین کے بارے میں
इसके बाद भी शाने हुसैन पूछते हो, इसके बाद भी पूछते हो हुसैन को कैसे मानना चाहिए। सही बंदा वही होता है जो अपने अकाबर की बात मानने वाला होता है। फरमाया शास तो हुसैन बादशाह, शास तो हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन शाह, अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दीन, अस्त हुसैन दीने पना, अस्त हुसैन मिलके कहिए दीन, अस्त हुसैन दीन। ये अकीदा मेरा ही नहीं या सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत का ही नहीं, बल्कि ये अकीदा सहाबे रसूल का भी है जिन्होंने ये हदीस सुनी, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तो सबका अकीदा यही अकीदा सैयदना सदीक अकबर का है, यही अकीदा जनाब सैयदना फारूक आजम का है, यही अकीदा जनाब उस्मान गनी का है, यही अकीदा सलमान बिलाल तलहा जुबैर तमाम असहाब रसूल का भी यही अकीदा है, दाता साहब ख्वाजा साहब सबका यही अकीदा है कि दीन अस्त हुसैन दीन पना, सरदाद नदाद आका हुसैन तेरी शान तो सदके जावा, मजाक दे काजल वाले महबूब दे मोढ़िया ते खेलन वाले शहजादिया, फरिश्ते तेरे झूले जलावन जन्नत विचों तेरी अम्मी जहरा दे जोड़े आ, सरदाद नदाद, सरदाद नदाद अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद। ये है अकीदा अहले सुन्नत, जिसमें बुग्ज़े आले रसूल हो वो सुन्नियत नहीं होती, या जिसमें बुग्ज़े सहाबे रसूल हो वो भी सुन्नियत नहीं होती। सुन्नियत तो ये है क्या कि मौला कायनात के बेटों से भी मोहब्बत और हजूर के सहाबा से भी प्यार। अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद। ये अबू बकर उमर उस्मान कौन है? मौला कायनात के बेटे। नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिसके साथ अकीदत हो, हाय हाय, जिसके साथ मोहब्बत हो। मौला कायनात को पता था कुछ लोग ऐसे होंगे जो फजीलत सदीक का इनकार कर जाएंगे, फारूक आजम उस्मान गनी सहाबे रसूल से बुग्ज रखे, तो फरमाया हमारी मोहब्बत का दम भर के कहीं सदीक को बुरा ना कहना, हमारी मोहब्बत के लिबादे में फारूक आजम उस्मान गनी को बुरा ना कहना, मैं वो हूं जो अपने बेटों का नाम उनके नाम पर रख रहा हूं। तो अपने बेटे का नाम अबू बकर रखना ये भी मौला कायनात की सुन्नत है। नाम उसके नाम पे रखा जाता है जिसके साथ मोहब्बत हो। तो मौला कायनात ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख के बताया, बेटा इसलिए रख रहा हूं कि हैदरी वही होगा जो सदीकी होगा, और मैं तेरे नाम को अबू बकर के नाम पे रख के बता रहा हूं बेटा, कभी कभी ऐसा होगा आवाज तुझे दूंगा याद यारे गार की ताजा हो जाएगी। फरमाया बेटा उमर बिन अली, फरमाया उमर नाम रख के बता देता हूं कि कभी कभी आवाज तुझे दूंगा याद फारूक आजम की ताजा हो जाएगी। बेटा उस्मान इसलिए रखा है, और आगे फिर मौला अली नहीं मौला हसन ने अपने बेटे के नाम भी उस्मान रखा है, मौला हसन का बेटा भी उस्मान है, इसलिए फरमाया बेटा आवाज तुझे दूंगा याद मेरे हम जुल्फ उस्मान गनी की ताजा हो जाया करेगी। अबू बकर बिन अली दाद, उमर बिन अली दाद, उस्मान बिन अली दाद, मुस्लिम बिन अकील दाद, इब्राहिम बिन मुस्लिम दाद, मोहम्मद बिन मुस्लिम दाद, वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी दाद, हबीब इब्ने मुजाहिर दाद, ओनो मोहम्मद दाद, अब्बास अलमदार दाद, हजरत कासम दाद, अली असगर दाद, अली अकबर दाद, आका हुसैन दाद, सरदार
यजीद हक्का के बिना ला इला। जोर से बोलिए शास्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन नहायत ही वाजिबुल एहतराम आली मकाम जी एहतराम मुअज्जज उलमाए किराम और सामईन हजरात, अज दा जुमा शरीफ माहे मुहर्रम दा दूसरा जुमा है और अज अठ मुहर्रम उल हराम है। अल्लाहु अकबर। तो एक वक्त ऐसा भी सी, एक वेला ऐसा भी सी, ये इंतजामी हजरात आज साहब आज गुलाम मस्तूर साहब सारे हजरात डॉक्टर साहब इस गल दे शाहिद ने कि अठ मुहर्रम का जुम्मा सी और शहादत बयान हो रही सी, नीचे बेसमेंट तहखाने नीचे शहादत पढ़ी जा रही सी और इन्ना मजीद बास बंदियां ने एवं गल्लां कड़ियां होंदियां ने, वो चूंकि गवाह मौजूद ने, इन्हां मस्जिद दीआं दीवारां दे विच्चों पानी निकल रहा सी। मैं कहता हूँ अब यकल यह मऊफ हो जाती है, मैं अपनी करामत नहीं बयान कर रहा कि मेरी वजह से नहीं, जिक्र हुसैन सुनकर दीवारें भी रोती हैं, जिक्र हुसैन सुनकर पहाड़ भी रोते हैं, फरिश्ते भी रोए, जिन्नात भी रोए। तो उस वक्त भी आठ मुहर्रम का जुमा था और आज भी आठ मुहर्रम है। अभी मेरे एक अज़ीज़ को उस मैसेज किया, उसने उसको ख्वाब आया, इधर वो बंदा होगा को उसको आज इस रात आज रात ख़तीबुल इस्लाम हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुल उलमा सैयदुल खुतबा जिनकी गुफ्तगू कर कर के लोग आगे आज खतीब बने हुए हैं, वो वजह है कि अगों फिर मिशन तो हट जाए तो अपनी मर्जी है। हजूर ख़तीबुल इस्लाम सैयद शबीर हुसैन सर रहमतुल्लाह ताला अलैह आज शहरियार भाई इधर मौजूद होंगे, अभी उन्होंने मैसेज किया थोड़ी देर पहले कि उनको ख्वाब में आज रात शाह साहब मिले और कहा कि कारी साहब को कहना आज मैं भी जुमा उधर ही पढ़ूँगा। ऐसे है जी, ये हमें सबक सिखाया उस शख्स ने, तरबियत हुई है, हमें पता है सुन्नियत किसे कहा जाता है, हमसे बढ़ के सुन्नियत का दिफा किसने करना है। जहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ सहाबा का नाम नहीं लेने देते, हमने वहाँ जाके जिक्र सहाबा कसरत के साथ किया। जहाँ पे गोलियों की बुछाड़ होती थी नवे नवे बच्चे तो उनकी पता है, अजकल तो फिर अन्नी तकलीद उस जो उस्ताद ने आखे हुई है, उस्ताद ने अपने अपने मसलक बना लेने, एक एक मदरसे किन्ने किन्ने मसलक हो गए ने, जो उस्ताद पाँच सात मुंडे नारे मारो अपना मजहब बदला लेंदे, वो समझते हैं कि अल्लाह भी छोड़ो रसूल भी छोड़ो, जो उस्ताद ने आखे ठीक है, और ये जहालत की अलामत है। तो जिते किसी आख्या इतने आल का जिक्र नहीं कर देंगे, असं इतने पुछ के आल का जिक्र किया। और सुन्नियत का डिफेंस हजूर ख़तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह आपकी कबर पे करोड़ों रहमतों का नज़ूर फरमाए, सारी ज़िंदगी दिफा किया है और हमारी तरबियत ऐसे की है कि जिक्र हुसैन किया जाए और ना खारजी ना राफजी। कभी नहीं ऐसा हुआ कि खारजियों को खुश करने के लिए मेरी हमायत अंदर कोई खारजी खलोजे तो दाल च काला तो आया ना कोई, मेरे मौकफ़ से कोई खारजी अगर हमायत करे तो समझो कि मेरी रवाबत नहीं है, कोई राफजी मेरी गलते हम है समझो, कोई तलक तो है ना, हम ना राफजियत ना खारजियत, हम अहले सुन्नत थे, अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत मरना है, अहले सुन्नत उठना है। किसी के अकीदे पे एतराज़ नहीं मैं करता, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा अपना अकीदा जो है, मैं कहता हूँ अपना मसलक छोड़ो ना, किसी के मसलक को छेड़ो ना, ये पॉलिसी ठीक है ना, बोलो तो सही।
ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਛਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਰਫਾ ਦੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਬੀ ਰਫਾ ਦੇਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਿਆਮਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਮ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਜਾਣਨ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵਾਬੀ ਜਾਣਨ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਖੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਝੂਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਮਾਮ ਤਰ ਛੋੜ ਕੇ ਹਮ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਥੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਔਰ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਰਹੇਂਗੇ ਨਾ ਖਾਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਵਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤਮਾਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਕੀ ਉਲਾਦ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੈਯਦ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਤਮਾਮ ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਮ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਯਹਾਂ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀ ਵੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਵਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਪੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰਹਿਮਤੋਂ ਕਾ ਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਅਹਲੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਰਾਜ਼ੀ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਸੈਂਸ ਜੋ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਡੂਬ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋ ਰਾਜ਼ੀ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਕੈਸੇ ਜਾਏ ਕਸ਼ਤੀ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਆਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂਹ ਕੀ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ ਸਫੀਨਾ ਨੂਹ ਕੀ ਮਾਨਿੰਦ ਹੈ ਤੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੀ ਇਕਤਦਾ ਕੀ ਜਾਏ ਉਨਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਕੋ ਮਾਨਾ ਜਾਏ ਅਸਹਾਬਿਕਨ ਨਜੂਮ ਫਾ ਬਿ ਅਯਹਿਮ ਇਕਤਦਾਇਤੁਮ ਸਭ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਹਦਾਇਤ ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਾਨਾ ਜਾਏ ਕਸ਼ਤੀ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਜਬ ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਪੇ ਚਲਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਕਾ ਦਿਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਯਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਸਤਫਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਵਾਤਾ ਸੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਬਦਿੱਲਾਹ ਜਮੀਆ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰੱਸੀ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਥਾਮ ਲੋ ਵਲਾ ਤਫਰਕੂ ਫਿਰਕਾ ਫਿਰਕਾ ਨਾ ਬਣੋ ਗਰੋਹ ਦਰ ਗਰੋਹ ਨਾ ਬਣੋ ਇਤਿਹਾਦ ਇਤਫਾਕ ਕੀ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਯਾਤ ਕਾ ਇਤਲਾਕ ਉਸ ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ कुफार के जिम्मे तो है ही नहीं वो तो काफर हैं वो तो काफर हैं किसके हुक्म की इतलाक किस पे होता है जो कुरान के मानने वाला हो रब ने ये नहीं आख्या भी सुनियो वाबियो शियो देवबंदियों तुहानू आख्या नहीं कहा तमाम इस्लाम वाले जो कलमा गो है अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं और हजूर की रिसालत को मान दी तमाम अंबिया पे ईमान रखते हैं
उनको हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। वला तफर्रकू, फिरका फिरका ना बनो, ग्रोदार ग्रो ना बनो। अल्लाह को इल्म था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिरका वारियत फैलाकर अपने मजमू मकासद हासिल करके अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करेंगे पैसों के बलबोते पर, जैसे पुत्री का तमाशा होता था। पुराने लोगों को पता है, नए बच्चों को नहीं, वो पुतली का तमाशा, उसकी डोर किसी और के हाथ में होती थी, रक्स कोई और करता था, नाचता आगे कोई और था, उसकी डोर कमान किसी और के हाथ में होती थी। तो वो नाचता, वो पुतली इसलिए नाचती थी कि उसको पैसों से गर्ज होती थी। नहीं समझ सकता, वो पैसों के बुलबोते पे जब तमाशा खत्म होता तो वो पैसे मांगते, पैसे मांग के घर को चले जाते। वो पुतली तमाशा होता था, बाग डोर किसी और के हाथ में होती थी, रक्स कोई और करता था। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बाग डोर किसी और के हाथ में है, लिबादा इस्लाम का ओढ़कर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, उनकी बाग डोर किसी और के हाथ में है, वो इस्लाम का नुकसान करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं हमारी बाग डोर मदीने के ताजदार के हाथ में है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी रस्सियां, हमारी बाग, यानी बाग डोर से मुराद हमारी सांसों के मालक मदीने के ताजदार हैं। हमें तो जो हुक्म आका से आता है हम वही करते हैं। वो सुन्नी, वो नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोरवर्दी हो, अवैसी हो, नुशाही हो, रजवी हो, कुछ भी हो, हमारी रूहों का मालक मदीने का ताजदार है। हुक्म जो कुरान देता है या साहिब कुरान देता है, सुन्नी सिर्फ उसी पर अमल करता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ना हम फिरका वारियत वाले थे, ना हैं, ना होने का इरादा है। और फिरका वारियत बहुत बड़ा नासूर है, तारीख माफ नहीं करेगी जिन लोगों मिंबरों मेहराब के वारसों ने कौम को धड़ों में तकसीम कर दिया। ये नई नस्ल क्वालिफाइड है, ये माफ नहीं करेगी। उलमा से गुजारिश करूंगा, तमाम मकाद फिक्र के उलमा से कहूंगा कि खुदारा नई नस्ल तुमसे बदजन ना हो जाए। वला तफर्रकू, फिरका फिरका ना बनो, ग्रो दर ग्रो ना बनो। इस्लाम में इत्तेहाद और इत्तफाक की फजा को कायम करो। अब सवाल यह है कि इस्लाम की बका के लिए क्या किया जाए। बोलो, मैंने 30 साल की अपनी खिताबत की जिंदगी में अभी कभी आपको नहीं कहा कि सड़कों पे आ जाओ या किसी सुन्नी आलम दीन की तजलील करो या अपने किसी बड़े के आगे खड़े हो जाओ। मैंने कभी बच्चों को नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कौमी अमलाक को नुकसान करो, प्राइवेट अमलाक का नुकसान करो, एहतजाज करो, नहीं। लेकिन सियासी आदमी भी नहीं हूँ, मेरा सियासत सियासत मारिकाल भी नहीं, मेरा सियासत ना कोई तलक नहीं, कोई सियासत ऐसी पैड़ी साहब भी नहीं। सियासत अगर हुसैन वर्गी की जाए, सियासत तो सैयदना सदीक अकबर ने की है, जनाब फारूक आजम ने की है, उस्मान गनी ने की है, मौला मुर्तजा, मौला हसन, मौला हुसैन ने। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब तक सियासत मस्जिद में रही नेक लोग आए, हाय हाय, जब तक सियासत मस्जिद में हुई नेक लोग आए, जब मस्जिद से निकल गई फिर यजीद आ गया। और उसकी और मस्जिद और यजीद की सियासत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक कोई पैड़ा काम भी नहीं, गुनाह निकाल भी कोई नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं। मैंने कहा इस्लाम को कैसे बचाया जाए, ये किसी मैं तुम शेर सुनावगा, शहादत भी सुनावगा, थोड़ा जहाँ देर इंतज़ार करो, मेहरबानी मेहरबानी। मेरी थ्रू आउट तकरीज किसी गाड़ा नहीं होगी, कोई फलाना एन जी ओ फलाना, मैंने की किसी ना करते भाई, मैं की करना है, मैं अपनी कौम की देना है, इन्हें लोग मेरे वास्ते आते, मैं इन्होंने की देना है। और मैं अल्लाह के फजल से खुद एक जमात की हैसियत रखता हूँ, नबी पाक के जुल्फ़ वल्लैल का सदका मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, गैर जिम्मेदार नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों तो नाम जाने कभी फिक्र नहीं किया, क्योंकि आवाज़ सगा कम ना कुना दिल के गदारा। अल्लाह अकबर। तो इस पे सियासी आदमी नहीं हूँ, ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस मामले पे मैं खराज तहसीन पेश करूँगा।
वो बिल आ गया उस पर भी खराज। लेकिन जो इसराइल का मामला आया, दो टोक जो जवाब दिया है हमारे हुक्मरान, इस पे मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। कहा कि हम मर तो सकते हैं, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं कर सकते। और मतदार बमारात को अब क्या कहूँ, उनका अल्लाह ही हाफज है। जेड़े मोदी नू अमन वार दे सकते नहीं, वो इसराइल भी तस्लीम कर सकते हैं। उन्होंने उत्ते वो साढ़े को एग्जाम्पल तो नहीं ना साढ़े वास्ते कोई। हम कहते हैं मुसलमान हो और अपने मुसलमान भाई का ख्याल करने वाला हो। इसराइल का वजूद ना तस्लीम करके और अल्लाह दे फजलो करम नाल अच्छा पैगाम गया है बोलना ना, क्योंकि मुस्लिम लीग पीपल पार्टी सारे बैठे बोले हो ना, बोले सही गलत है ना बोलो, उन भावे कोई सारा खाज वो दिखा रेखा हो गए ये जी नहीं होना चाहिए। अच्छी गलत भी कभी कभी बोलिया करो। इसराइल को तस्लीम ना करना ये बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत बड़ी बात। किसी के जो है किसी का प्रेशर नहीं रखा, किसी का प्रेशर नहीं। वो हजरत अल्लाह अकबर फखरुल फुकरा, मैं अपना अकीदा पेश करने लगा, मैं उस शख्स को फ़ख्र का फ़ख्र मानता हूँ जिसको सूफ़ी बरकत अली कहा जाता है। सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के हर अहम फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। मैंने तो उस फ़कीर के मुंह से निकलती बातें सच होती देखी हैं। फरमाया एक वेला ऐसा आएगा दुनिया दिया हम फैसले पाकिस्तान से बह के होया करेंगे, और वक्त इंशाल्लाह करीब। पार्टियाँ ना वेख्या करो, अपना मुल्क वेख्या करो। बात आसिम भी हबदिल्ला जमीया उन सवाल है कि रब की रस्सी केड़ी सुबहान अल्लाह कह लो। कई बंदे बड़े प्रोफेसर बन के बैठे होंगे ने भी यार मैनू को आखे बड़ा पढ़िया लिखे आदमी, मैं उन्होंने अकलमंद बंदा नहीं समझता जरा गलत बोले चाले ना। तो तुम सारे अकलमंद बंदे भी अकलमंद आदमी समझदार बंदे बैठे हो, अच्छी गल लगे तो कम से कम बोली पता लगे इन्हों का माइंड एक्सैप्ट कर रहा इस बात को। अल्लाह की रस्सी कड़ी है, कभी तुम्हें वेख्या हो एक रस्सी आसमान तो एक सिरा हो जमीन पर हो हुक्म हो सारे घुट के फल लो कभी वेखी। मैं पूरी दुनिया से फिर रहा मैं रस्सी नहीं कितने वेखी जिदा एक सिरा आसमान के उत्ते एक जमीन के उत्ते हो तो हुक्म हो सारे फड़ के बह लो। मेरा ख्याल अल्लाह के कुरान को समझना हो हदीस मुस्तफा का सहारा लगता है। अल्लाह के कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल का सहारा लिया जाए। तो जब हजूर से पूछा गया माँ जा के काजल वाले मैं सोने दसो तसी रब की रस्सी कड़ी, हिज्जतुल विदा के मौके पर हजूर अपनी सवारी ते बैठे कस्बा ऊंटनी के उत्ते हजूर बैठे सन। तो बैठे बैठे फरमाया लोगो जी माँ जाग दे काजल वाले महबूबा, फरमाया मैं अपने तो बाद तुहाड़े विच दो चीज़ा छोड़ के जा रहा, अगर इन्हों चीज़ों का दामन फड़ लिया तो क्यामत तक गुमराह नहीं होवोगे, गुमराही नहीं इख्तियार करो। याद हो केड़ी केड़ी, फिर मैं एक अल्लाह का कुरान और एक अपनी अहले बैत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का कुरान एक अपनी अहले बैत। और दूसरा फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो मैं अपनी अहले बैत अतहार जे नाल मुंसलिक होने का सबक देवगा तुहानू कि अपने दिलानू मेरी अहले बैत की मुहब्बत नाल जोड़ लवो। फरमाया मेरी अहले बैत के साथ रवाबत कायम करो, ताल्लुक रखो, और मैं तुम्हें अहले बैत के मामले में डराता हूं। जो तोहीन अहले बैत हुजूर ने फरमाया करेगा वो जहन्नम में जाएगा, इसलिए मैं डराता हूं तुझसे, तुझको डराता हूं अल्लाह की बारगाह में कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, फरमाए दो चीजों का दामन ना छोड़ना, ये अल्लाह की रस्सी है। या सुला केड़े, फरमाया एक अल्लाह का कुरान और एक मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, मेरी आल औलाद, इदा दामन ना छोड़ना। तीसरी हदीस समाप्त फरमाओ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए आसमान के सितारे जो टुट गए, हदीस ना आवे मैं जिम्मेदार हाँ वीडियो बंदी पे, जो आसमान के तारे टुट गए आसमान वाले फना हो जाएंगे। जो सितारे टुट गए आसमान वाले फना मुक जाएंगे, फरमाया जमीन वाले लोग जो जमीन के उत्ते होंगे मेरी आल उन्होंने सलामती का बायस होएगी। हाय 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 हाय, मेरी आल उन्होंने सलामती का बायस बनेगी। और फरमाया जो मेरा खानदान मुक गया लोगों तुम भी बाकी नहीं रहना, सब खत्म हो जाओगे।
میرے ذمہ حدیث وفا حضور فرمائے جدو میری اہل بیت مک گئی جدو سید مک گئے پھر تسی بھی کسے نہیں بچنا نہ کوئی سمجھے مولوی بھی میں سارے سید بھی مک گئے تھے میں تھے رہنا ہی فرمائے میری اہل بیت کی وجہ سے کائنات زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میری آل کی وجہ سے کوئی چودھری ہے کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے شاہ گدا چھوٹا بڑا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ فرمائے جب دنیا سے سید اٹھا لیے گئے اس کے بعد کیا ہوگا دنیا باقی نہیں رہے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا لوگو سیدہ نو دعا دیا کرو جی دے صدقے نہ اپنے گھر واس رہ لے ہاں میں تے نوکر ہاں بھائی سیدہ دا میں تے کمی سادات میں تے کتا حسین دے درد میں تے سگا مولا کائنات دا میں تے زہرا پاک دے درد سگ فقیر در زہرا کوئی بندہ میرے نام نہ علامہ مولانا نہ لکھا کرے میں وہ تو بڑے 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 لوگ ہوں علامہ مولانا بڑے بڑے لوگ نے میں تو چھوٹا جا بندہ ہاں فقیر جدہ لکھے میرے نام نہ فقیر در زہرا لکھا کرو انہیں کافی یہ تو بڑے اعزاز پی نہیں نہ میں علامہ نہ شیخ الحدیث نہ مفتی نہ فہمہ نہ مفتی ہے میرے کو یہ عہدے نہیں بھی میں تو چھوٹا جا بندہ ہاں میں صرف اتنا ہے اگر میرے کو کہہ لے نا فقیر در زہرا تو اس تو بڑا میرے واسطے اعزاز ہی کوئی نہیں میں اہل بیت طہارا دا نوکر رہ کے جینا چاہنا اور حدیث پھر سماعت فرماؤ میرے آقا فرمائے اہل بیت طہارا دے منن والا بندہ جڑا میری اہل بیت دی محبت وچ مریا حضور فرمائے جڑا اہل بیت دی محبت وچ مریا وہ شہید مریا پھر فرمایا میری اہل بیت دی محبت وچ مرن والے دی قبر دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے پھر حضور فرمایا میری اہل بیت دی محبت وچ مرن والے بندے نو نکی رہن تو پہلے بالکل موت جدو روح قبض کرن لگے گا اون پہلو جنت دی بشارت دے گا ہائے 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 اون جنت دی بشارت دے گا پہلے نکی رہن تو پہلے ملک الموت آ کے جنت دی بشارت دے گا اس تو بعد جنت دی بشارت نکی رہن دین والے ہون گے اور پھر میں آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرماؤ فرمائے آل رسول دے منن والا یہ تو جنت جائے گا نا انج بن سمر کے ہسے ہستا ہستا خوشی نال جائے گا جویں دلہن اپنے دولے دے گھر جاندی ہے میرے ذمے حدیث سمجھاؤ جویں دلہن اپنے دولے دے گھر جاندی ہے اور پھر فرمایا جڑا میری آل دے بوز وچ مریا فرمایا قیامت والے دن اودی پیشانی دے درمیان چ لکھ دیتا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا اور دوسرا حضور نے فرمایا جو بغض سے آل رسول میں مرا وہ کافر ہے کہ یہ بولو وہ کافر ہے کافر ہو کے مرا تو سانو کہڑی لوڑ کافر ہوندی اگے تھوڑے نے اگے کہڑے تھوڑے نے سانو کہڑی لوڑ اسی آل رسول دی محبت مرنا چاہنے ہیں حضور فرمایا وہ شہید ہوئے گا وہ بخشیا ہوئے گا وہ دا خاتمہ ایمان دیتے ہوئے گا جنت وچ جائے گا جڑا میری آل دی محبت وچ مرے گا اور بغض سے آل محمد پہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا یہاں سجود رکوع نماز تراویاں قرآن دستار کے یہ نہیں یہ ہو اگر بغض آل رسول ہو تو سب ختم بیکار کارآمد وہی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق حضور کی آل کے ساتھ ہوتا ہے اور سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم تو وہ ہیں جو سب کے ماننے والے ہیں رسی جدو پھڑنی ہوئے تو پھر اسی صحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اور نبی پاک دے صحابہ تے حضور دی اہل بیت نوں منن اسی سارے نے منن والے ہاں اس واسطے کوئی بندہ اگر غیر سنی ہے تو انہوں حق نہیں کسی صحابی دے اوپر اعتراض کرے کسی کو حق نہیں وہ صحاب رسول پہ اعتراض کرے یا تانو تشریح یا کہ اشارہ کنایہ میں بھی کسی صحابی تنقید کرے گا تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے اور جو اسی طرح جو اہل بیت طہارا کے خلاف زبان درازی کرے وہ بھی نہیں اللہ کی رسی کو اس نے پکڑا ہے جو سب کے ماننے والا ہے خصوصاً امام الانبیاء دی آل نال پیار کرنے والا ہوئے مسلمان بھائیو حضور دے بچیاں نال پیار کرنے والا ہوئے زور نہ بولو سبحان اللہ حضور دی آل نال پیار کرنے والا ہوئے مسلمان بھائیو پھر آل رسول ہو
जिदा मरकजी किरदार मौला हुसैन ने, मरकजी किरदार मौला हुसैन ने मुसलमान बाइयो, जदों किसी बंदे नूं बहादुर वेख्या होवे, जदों किसी बंदे दी जात दे बारे पुछना होवे, जदों किसी बंदे दी जात दे बारे पता करना होवे, वेखी दे इहदा प्यो कैसा है। अज नहीं ध्यान किया गल, जो किसी बंदे की जात से पुछना हो बंदा कैसा है, वो बाप वाल वेखी दे प्यो चंगा हो पुत्र भी चंगा होंगे, वो मां वाल वेखी दे मां का किरदार कैसा है, फिर वो भरावान से भैन भाई खानदान बरादरी कुनबे कबीले वाल वेखी दे, मुसलमान भाइयों वेखी दे कि यदा कुनबा कैसा है, कबीला कैसा है, यदा कुनबा कैसा है, कबीला कैसा है। जो मौला हुसैन की वारी आई, देखे बहादुर एदा बहादुर मुजाहिद, एदे प्यो वल वेखो वलिया दा सरदार है, नानी वल वेख लो नबियां दा सरदार, नानी रईसां दी सरदार है, भरा सखियां दा सरदार है, जोर ना बोलो सुभान अल्लाह, भरा सखियां दा सरदार है, मुसलमान भाइयो वीर सखियां दा सरदार है, बहन जिहड़ी उहनूं सानिए ज़हरा आखिया जांदा है, भैन वी आला वीर वी आला, उहदा बाप वी आला, उहदी मां वी आला, नाना वी आला ते नानी वी आला, नानके दादके चंगे होण ते बंदा चंगा होंदा है, आंदे बड़ा बहादुर आदमी है, मुसलमान भाइयो उहदी तलवार दसदी हुंदी है इह किड्डे बहादुर प्यो दा पुत्तर है। मैं फिर कहता हूं, मैंने ईमान अबू तालिब पे कभी बहस नहीं की, और ना मैंने कभी दलीलें दी हैं कि ऐसे कलमा पढ़ा नहीं। यहां पे आगे सुनिएगा, जब मुजाहिद तलवार चलाउंदा है ना, तो पता लगता है इहदा प्यो किड्डा बहादुर होएगा, एदा बाप कितना बहादुर होएगा, एदा प्यो। जब मौला कायनात ने खैबर के मैदान पे तलवार उठाई तो पता चल गया इसका बाप कितना बहादुर होगा, इसका खून कितना बहादुर है। तलवार अली की चलती थी, नक्शा अली के बाप का लोगों की आंखों के सामने होता था। इधर मौला हुसैन तलवार चलावे ते नक्शा अली दा, हाय हाय, मौला हसन अगर तलवार चलाउन नक्शा मौला कायनात दा, मुसलमान भाइयो फिर जिदी गुड़ती जुन गुड़ती मामू लंबिया देन वाले हो, इहदे कन विच अज़ान मामू लंबिया ने आखी होवे, इहदे कन विच अज़ान मामू लंबिया ने आखी होवे, मुसलमान भाइयो जिहदा नाम खुदा ने रखिया होवे। अज बच्चा पैदा होंदा है उहदा नाम दादा रखदा है, दादी नाना नानी रखदे ने, या कोई चाचा ताया नेक आदमी नाम रखदा है, क्यों दे मुर्शिद नाम पीर नाम रखदा है, पीर जी पुत्र पैदा होया नाम दसो कैसा रखना है, पीर साहब नाम रखना खणगे, बड़ी गल है भई इहदी उहनूं कुछ आखियो ना, इहदा नाम पीरा ने रखिया होया है, मेरे मुर्शद ने नाम रखिया होया, पीरा ने नाम रखिया होया, जिहदा पीर नाम रखे उहदी ते बेअदबी नहीं कीती जांदी, जिहदा नाम खुदा ने रखिया होवे। जिदा नाम खुदा ने रखिया होवे उहदे बारे भी ख्याल करना, जो मुहतात लफ्ज इस्तेमाल करने, ना भी दिल मन्ने ते रवो ते मुहतात, जिन्हू नहीं मन्नन नू दिल करदा आखो ते ना फैसला अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे उत्ते छोड़ देवो। किसे मौलवी मुफ्ती काजी किसे चौधरी वडेरे सकालर नू हक नहीं किसे सहाबी दे उत्ते इतराज करे, अपनी अकल नू छोटा करे, हजूर दी आल दे उत्ते इतराज ना करे। बहुत बड़ा मुफ्ती भी होवे हुसैन दी जुतियां दा मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत बड़ा चौधरी ते मौलवी मुफ्ती काजी पीर होवे हुसैन दी जुतियां दे बराबर नहीं हो सकता। मुसलमान भाइयो जिहड़ा सारा घराना लैके आ जा के कुछ रवे या ना रवे, नानी दा दीन बचना चाहीदा है, मसीतां बचाइयां मेरे हुसैन ने, मदरसे बचाए मेरे हुसैन ने, पग्गां बचाइयां मेरे हुसैन ने। दस्तारां बचाइयां मेरे हुसैन ने, दस्तार हुसैन बचाने वाला है, किरदार हुसैन बचाने वाला है, ईमान हुसैन बचाने वाला है। वाह हुसैन तेरी अजमत तो सदके जावा, खून करबल में गिरा। एवं बैठे एक दिन कलम उठाई मैं तो मैं चलो जो भी होंगे माड़ा मोटा खराज अकीदत है साढ़े के बंदे की कमा हकू गल कर सकते हैं, या कोई भी बंदा जमे मान यो जरा कमा हकू आखे जी मैं सारी शान बयान कर दी, कोई है ऐसा आखे जी मैं सारी शाने सहाबा, जे कोई सहाबा मंगदा तो सहाबा तो एहसान नहीं,
ना मने रब ने तो ना पान छड़ी होती जे को आल मंदे ते आल दोते एहसान नहीं एहसान ना करया करो ये पग्गा सलामत हैं तो हुसैन का सदका है ये मौलवियत खताबत मिंबर मेहराब अगर सलामत है तो वो हुसैन का सदका है। मौलवी साहब मिंबर ते बैठन तो दावा कर दे रही हम मिंबर और मेहराब के वारस हैं आते नहीं कि नहीं बोलते दियो बड़े नखरे कर दे यार वो आने ना मौल और हैं उलमा हजरात मिंबर और मेहराब के वारस हैं अंबिया की इलम के वारस हैं इन्ने सौ साल बाद उठ के एक नौकर हो के अंदर जी मैं मिंबर का वारस हाँ मैं कहा तेनू किने बनाया तेनू किने बनाया तेनू पता हजूर दी हदीस है सल्ला सल्लम कि मेरी उम्मत दे उलमा जड़े ने बनी इसराइल दे मानिंद ने बनी इसराइल अंबिया दे मानिंद ने और मेरे मिंबर और मेहराब दे वारस ने। तो मैंने कहा नबी की विरासत तो तकसीम नहीं होती। हाय 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 नबी की विरासत तो तकसीम ही नहीं तो तुझे तकसीम का हक किसने दे दिया है। तो उस पर दलील ये आती है कि हजूर ने खुद कहा है जब हदीस रसूल आ गई तो मैं खामोश क्योंकि फिर उससे आगे मेरी औकात नहीं कि मैं बात करूं कि हदीस रसूल आगे हजूर ने कहा ये उलमा मिंबर मेहराब के वारस हैं। मैंने सरे तस्लीम खम कर लिया। ये भी पूछता हूँ तू और मैं अगर नबी के मिंबर के वारस हो सकते हैं तो हुसैन के बारे क्या ख्याल है। अगर हुसैन को कह लो कि जानशीन मुस्तफ़ा वारसे मिंबरों मेहराब मुस्तफ़ा ये थे तेरे मुँह से बारह क्यों आवाज़ देने वाले इतने क्यों आना नहीं जी नहीं ये फलाना। मैं कहता हूँ जो खुलफा की तकसीम है खुलफा की तरतीब है एक जो उस तरतीब को नहीं मानता वो भी सुन्नी नहीं है कि पहले खलीफा सैयदना सदीक अकबर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह दूसरे सैयदना फारूक आजम तीसरे उस्मान गनी चौथे मौला कायनात और अली ने कहा है जो मुझे चौथा खलीफा नहीं मानता उस पे खुदा की लानत है। अली कहते हैं जो तो ये खिलाफत की तरतीब है फजीलत की तरतीब ये नहीं। हाय 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 कितने चले गए सलीम फजीलत की ये तरतीब नहीं। एक हदीस दिखाओ कि नबी ने कहा हो कि फजीलत में अली का चौथा मकाम चौथा नंबर है। एक हदीस साबित करो खिलाफत में अली का चौथा नंबर फजीलत ये है कि अली बरादरे मुस्तफा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। गुलामा ने हुसैन फिर बोलो सुभान अल्लाह। खिलाफत की तरतीब सुन लिया तुसी बोलो पहले खलीफे कौन ने बोलो आ वीडियो बंदी दसो दसो सारे मौलवियों को गौसिया साबरी की पैगाम है पहला खलीफा कौन सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला दूसरे कौन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो तीसरे कौन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नो चौथे मौला कायनात। ये वो तरतीब है खिलाफत की जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों पहले जो तीनों हैं उनके उनको खलीफा मुकर करने वाला हुसैन का बाबा है। जो पहले तीनों की खिलाफत का इनकार करेगा वो भी अली वाला नहीं हो सकता। अली ने खुद वोट दिया है उस्मान गनी को अली ने वोट दिया है उमर फारूक सदीक अकबर को और मैं कहता हूं अगर अली वोट ना देते तो खुलफा खुलफा ना बनते फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता। तो अली ने वोट दे के कहा कि मैं सदी को अपना खलीफा मानता हूँ फारूक आजम उस्मान गनी। तो इस तरह ये खिलाफत की तरतीब है फजीलत की ये तरतीब नहीं। जब फजीलत की बारी आती है तो हजूर कहते हैं अली मुझसे है मैं अली से हूँ ना बोलना मेरे को कोई इलाज नहीं ना बोलना कोई न्याय डॉक्टर साहब बैठे नहीं है तो हम दवाई दे सकते हैं ना मरीज आदमी दवाई ना ये ना देनी है मैं तो गल ही सुनानी है तो मैं कहता हूं फजीलत ये है कि अली फातिमा तुज़ज़हरा के शौहर हैं। फजीलत
फजीलत यह है कि वो मौला हसन के बाप हैं, मौला हुसैन के बाप हैं। ये फजीलत की बात फिर मौलवियाँ तोड़ बरोड़ के है काया खन वेखो जी। फिर हजूर तो बात आंदे ने सारे आख्या मकाम सगीदा सदीक अकबर दा है। मैं कहता हूँ मैं इसका कब फजीलत सदीक का इनकार करने वाला तो जाहिल है। मसला हल करिए भी बोलते दो, याद रखोगे मसला बोलो, शेर फिर मुकम्मल करना, मैं याद रखोगे गल। नबी पाक ने फरमाया अली और मैं एक नूर से पैदा हुए हैं। लेकिन समझ में आ गई गल तो स्वाद आ जाएगा, फिर तुम शेर सुनाने। अली और मैं एक नूर से, रियाजुल नजरा की रवायत पेश कर रहा हूं। जनाब सुलेमान फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक नूर पैदा किया आदम ने सलाम के बनने से 14,000 साल पहले। उस नूर के दो टुकड़े किए, एक का मुस्तफा बनाया, दूसरे का अली बना दिया। हा 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 हा, बोलो काम मौला अली का। जोर से बोलो, ये इंज दी वंड पहलो सुनिए कि बोलते दो यार। नबी नूर भी है, नबी बशर भी, तो शबकत नहीं दे रहा। उलमा ने कहा है अफजलुल बशर, अफजलुल बशर बादल अंबिया, बिल इत्तेफाक बिल तहकीक सदी को अफजलुल बशर कहा जाता है। नबी के बाद हाय हाय हाय, मेरे आका के बाद बशरियत में सबसे आला मकाम नक्शबंदियों के पेशवा अबू बकर सिद्दीक का है। नूरानियत में हजूर के बाद सबसे बड़ा मकाम मौला कायनात का है। बोलिए तवज्जो है जरा, ये है अहले सुन्नत का अकीदा। ये मौलवियाँ कहीं ने कस्बी चोरी की थी, कस्बी मुंडे पैसा बटा कर वेह ले अली नु बहुत मनिया है। सदीक अकबर उन्हें जो सदीक को नहीं मानता मैं लानत भेजता हूँ शख्स पर। किसी गैर मसल की बात नहीं कर रहा, जो अपने हैं जिनके मजाज राफजी माइल हों या जिनके खारजी माइल हों, जो खारजियत और राफजियत की झोली में बैठे हों, मैं दोनों को सुनने नहीं मानता। सुन्नी वो है इसका जिसका ये अकीदा है कि अली नूरानियत में हजूर के बाद मकाम वाले हैं और सदीक बशरियत में हजूर के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी फजीलत है उसे सैयदना अबू बकर सदीक कहा जाता है। ज़ोर ना बोलो सुभान अल्लाह। आहा हा, साजिद भाई अगे आ जाओ, साजिद भाई नुके आंदे जी, साजिद साहब साढ़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने। तो जो है जरा मेरे ते यकीन कर लो, आए ने मेरे ते यकीन कर लो, कभी साढ़े ते भी यकीन करके वेखो, कभी साढ़े वर्गे बंदे यकीन करो तुम्हें फायदा होएगा। तुम सारे वेखन लगे गल गल सच्ची है कि झूठी, मैं मिंबर तो बह गया ना भी आए ने
तो उस अली का बेटा है। कड़ी छड़ी अल कोई ना वेखे नहीं पिछे कला ना उठा के कड़ी कुड़ी कड़ी तो साई ला लेंगे वो जे जमन वाली औलाद होंगी कड़ियाँ भी ला लेंदी मुंदरियाँ भी ला ले पैसे आते हैं रोंद रोंद प्यो की जेब भी चेक कर लेंगे इंजी है कि नहीं बोलो तुम रोंद रोंद भी प्यो देबा मेरे जब्बा जी भावें चले गए तो ये तुम कि लैके जाने साज साहब इतने गया हैदर तो जो है जी इस रात हूँ नारा ना मारना हूँ नारा ना मारना बस हूँ गल सुनो बके मैंने कहा कि अल्लाह की रस्सी क्या है मोहब्बत अहले बैत और कुरान से मोहब्बत वो बोलो अल्लाह वास्ते की सागे पैगाम तो अच्छा जाना चाहिए साढ़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने पैगाम अच्छा जाए कि ना पैगाम साढ़ा है भी अच्छा है असी ना किसी वाबी से इतराज ना दो बंदी ने सी अस किसी गल नहीं कर तुम की जरूरत असं अन्य अमन की गल करो मैंने जो आयत पढ़ी है वा तसिमू बि हब्लिल्लाह जमीया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो वला तफर्रकू फिरका फिरका ना बनो गरो दर गरो ना बनो अल्लाह के कुरान को थाम लो हजूर की आल के दामन को थाम लो ये हजूर जब इस पे आ गए तो फिर फिरकावारियत नहीं होगी फिर अमन होगा मोहब्बत होगी हर तरफ जिहड़े बच्चे तालिब इलम बैठे ने मजमे के अंदर उन्होंने पैगाम देंगा बेटा उसका उस्ताद की तकलीद ना भी हो तो कुफर नहीं होगा असूल दे उते आके अगर उस्ताद को भी छोड़ जाओगे तो सवाब होगा जहां मसलाए अहले बैत हो या मसलाए सहाबे रसूल हो ते ना कर पे तू जो तेरा उस्ताद अगो ठीक है सहाबा नु छड़ देते आलू ये तो गुमराह ही जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नत पे जाने का वाहिद रास्ता क्या है अल्लाह का कुरान और दामने मुस्तफा के साथ वाबस्तगी है। मौला कायनात पुत्र मुसलमान भाई बात करना सा पे खून कर बल में गिरा अर्श को लर्जा आया खून कर बल में गिरा अर्श को आया खून कर बल में गिरा अर्श को हुसैन दा खून डुले मुसलमान भाइयों अल्लाह दा अर्श भी कम गया है खून करबल में गिरा अर्श को लर्जा खून करबल में गिरा अर्श को लर्जा स्वाद नहीं है बावाजे बुलंद हजूर दे गुलाम बैठे हो यो दफा करो फिरका वारियत नूं अपने आका दी नात पढ़ने आ हुसैन दा जिक्र करके आखो खून करबल में गिरा अर्श को करबल में गिरा खून करबल में गिरा इज्जत-ए-दीन बचाने को वो कुन बाया इज्जत-ए-दीन बचा इज्जत-ए-दीन बचाने को वो कुन शेर पढ़िया ही नहीं तकरीर बच्चे बाबा जी ग्रंथ पढ़ लो जौक भी पैदा हो जाए फिर करबला वाल चलने मुसलमान भाइयों इज्जते दीन बचाने को वो कुन बा इज्जते दीन बचाने को वो कुन बा सर कटाने के लिए आका का कुन बाया सर कटाने के लिए अल्लाह बहर हाल मुसलमान भाइयों फिर कौन मौला हुसैन
जिदा नाम रब ने रखिया हो जिन्हों गुड़ती हजूर दिती हो जिदे कन विच अज़ान इमाम अंबिया ने पढ़ी हो मुसलमान भाई हो फिर वो पाए सबा तो लफ्जिश नहीं आ सकती डोल नहीं सकता डगमगा नहीं सकता वो फिक्र लैके मुसलमान भाई हो खूने रसूल लैके हुसैन उठाया हुसैन के आने का एक और मकसद भी था यजीद बदमनी फैला रहा था यजीद फासिक व फाजर था यजीद शराबी था यजीद जानी था कुत्तों की लड़ाई कराने वाला था बंदरों से प्यार करने वाला था जुआ खेलता था मंशियात आम करता था शराब का दिल दाता था रक्स व सरूर मुजरों का दिल दाता था और दीन की सरीहन मुखालफत कर रहा था लड़ाई झगड़ों पे पैसे दे दे के लोगों को उकसाता था पैसे दे के आके उस हैंड सिर लेके आओ नहीं हो हैंड बोलो बोलो यार पैसे दे दे के लोगों को कहना कि हुसैन का फलां को कत्ल कर दो फलां को कत्ल कर दो किराए के कातर रखने वाला था और कहता था अमीरुल मोमिनीन हूं मैं मिंबर पे बैठने वाला हूं। हुसैन ने कहा यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता एक बातमन लोग एक बातमन शख्स मेरे नाने के मिंबर पे बैठे तो दूसरे जो गैर मुस्लिम उनको सबक किया जाएगा कि मुस्तफा के मिंबर पे बैठने वाला बातमन बदमनी फैलाने वाला और मैं नहीं मिंबर मुस्तफा का हो इस पे बैठेगा भी वही यमन की मोहब्बत और फूल की तकसीम करने वाला होता है तो ये वो रीजन था हुसैन का मैदानी करबला में आने का और मैं हमारी तरफ से पैगाम गलत ना जाए कौन समझेगा इस बात नू बिना जान पुछान दे कौन समझे बोलियां जो बोले वारिशा मियां इस बात पे भी कभी गौर किया करो हुसैन ने कहा बदमन आदमी को हक नहीं मिंबर पे बैठने का बद किरदार को हक नहीं मिंबर पे बैठने का मशकूक आदमी जिसकी वजह से इस्लाम का नुकसान हो उसे मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए इंटरनेशनल सतह पे पैगाम गलत जाएगा और जब तफरकाबाजी होती है जैसे कुछ दियारे गैर से लोग मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं कि दियारे गैर से दुश्मन ने पाकिस्तान तो फरकाबाजी की कोशिश कर रहे हैं इस मुहर्रम में मैं आपसे अपील करूंगा खुदा के लिए किसी बहकावे में ना आए हाजिर मौलवी बना बना के क्लिप छोड़ दे मुझे खिलाफ इनको शर्म आनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस बात पे मैं खराज तसीम पेश करूंगा एक कानून ला के तहफ़ इस्लाम जो बिल आए उस पर मैं खराज अकीदत सुबाई गवर्नमेंट को खुसूस पेश करूंगा कि जो सहाबे रसूल को बुरा कहे या अजवाज रसूल या औलाद रसूल को उसके खिलाफ फौरन एक्शन होगा 5 साल कैद 5 लाख रुपया जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं तो यह अच्छा इकदाम है ताकि फ़िरका वारियत का नासूर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए फ़िरका वारियत के फरीद को बोतल से कुछ लोग ढक्कन खोल के निकालना चाहते हैं मैं कहता हूँ उसको बंद कर दो और उस पर बोतल को अच्छी तरह ढक्कन दे बंद करके किसी गड्ढे में दफन कर दो ताकि फ़िरका वारियत का फरीद जो है वो दोबारा सर ना उठाए इस्लाम वो मज़हब है जिसे अमन का मज़हब कहा जाता है एक बात करके मैदान करबला चलने फिर आपा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत बहुत बड़े रहनुमाओं का अमन के दिलदादा लोगों का नाम आता है अमन के पैगंबर जिनका नाम आता है और जो सबसे ज़्यादा कानूनदान हैं सबसे बड़े जिन्होंने पीस पे काम किया सारी कायनात ने सबसे ऊपर नाम मेरे मोहम्मद का लिखा हुआ है हाय हाय सबसे ऊपर नाम मेरे आका का लिखा हुआ है अरे ये तो गैर मुस्लिम भी मान गए हैं मोहम्मद से बड़ा अमन वाला कोई नहीं हो सकता और उसी लिस्ट में जहां लॉ के लोगों के यानी कानून दानंद लोगों जिसे नाम लिखे ने उस लिस्ट अंदर सैयदना फारूक आजम का नाम लिखा हुआ है ये हमें अदालती निज़ाम थाना कल्चर सब कुछ फारूक आजम ने अता किया है और फारूकी वो होता है जो फैसले अदालत से करवाता है नहीं समझ सके बात अगर अदली अजहर फारूक आजम को मानते हैं तो फिर फैसला सड़क पे खड़े होकर तुम्हें करने का किसी को किसी ने इख्तियार नहीं दिया फारूकी हो
तो अपने कानून को माने, अगर कोई मामला ऐसा मजहबी भी हो जाए कानून से अपनी अदल मुअज्जज अदलिया का दरवाजा खटखटाए ताकि हमें वो अदलिया का निजाम उमर फारूक ने अता किया है। थाना कल्चर को चैलेंज ना करो, अपने अदारों को चैलेंज ना करो, बस ये अगर तुम्हारे सामने कोई तौहीन रिसालत करे तो अदलिया का दरवाजा, मैं आपके साथ हूँ, हम सबसे पहले अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे और उसको फिर जो कानून के मुताबिक सजा हो, सजा दिलवाने में भी हम मेजर रोल अदा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह कह लो बोल। तो इस बात मौला हुसैन लजपाल जिस वे मदीने तो मक्का शरीफ पहुंचे, आप दे सहाबे रसूल ना मीटिंग हुई, सहाबा दे पुत्रा ना मीटिंग हुई, आपने सारे मामला सुनाए, उन्हें क्या आका जायो ना फरमाए क्यों, उन्हें क्या हजूर हालात बड़े ख़राब ने ते कूफे वाले ने धोखे किए ने हमेशा, मौला अली ने धोखा किया है, मौला हसन ने धोखा, हजूर तुसी ना जाओ मेहरबानी करो। मेरे इमाम ने फरमाया जाना तो पवेगा, नाने की खबर सच्ची होंदा वेला आ गया। मुखबरे सादक नानी दी खबरां, फिर किसी लोगों ने आख्या जी फिर इस तरह करो, खुद ना जाओ, पहले अपना एक नुमाइंदा भेज लो जिहड़ा जाके सारी खबर वेखे कूफे दे कैसे हालात है, फिर तुहानू इनफॉर्म करे, फिर तुसी चल पवो। मेरे इमाम ने फैसला कबूल फरमा के हज़रत मुस्लिम बिन अकील जिहड़े इमाम हुसैन दे चाचे दे पुत भरा सन, आपने उन्होंने मुकर्र किया नाल दो बच्चे हज़रत मुहम्मद और इब्राहिम, ये मुख्तर काफिला कूफे विच गया। बड़ी मशहूर बात है जिसले गए 40,000 बंदे ने मुस्लिम दे हाथ ते बैत की थी, ते बैत की थी मौला हुसैन दी, किदी बोलो मौला हुसैन पाक दी बैत सी, मौला हुसैन दी बैत 40,000 कूफी, फिर कूफी तारीख है कूफे दी, अज तक भी कूफी जड़े ने वफादार ने, कूफे दी तारीख है ना धोखा करना है, उन्हें किसी किसी जाविए धोखा करे जरूर कूफे धोखा किया, इमाम मुस्लिम भी शहीद हो गया, आपके बच्चे भी शहीद, उधर मेरे इमाम तुर पे काफिला रस्ते च पता चलिया कि हुसैन, गौर करना जरा गौर मेहरबानी करना, मैं पूरी तारीख तुम्हें तो समझा चाहना, इमाम हुसैन उधर चल पे सन, मुस्लिम का खत चले गया से कि आका आज हालात ठीक ने, उधर हालात खराब हो गए, इमाम चल पे, राज खबर मिली कि आका ना जायो, और मैं क्यों, हजूर तुहाडे भरा मुस्लिम को शहीद कर दिता गया है। मेरे इमाम ने सब काफिले जमा किया, मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दिती, उन्हें आख्या हजूर कसास लेना जरूरी है, असी वापस नहीं जाना, वापस चले गए सामू सैयद कि नहीं आखना है, असी तो पहल नहीं की कतल के अंदर, उन्होंने की है तो हजूर कसास तो बनता है। इमाम ने फरमाया ठीक हो और मशवरा, हजूर जाना है आप जल काफिला, आपने फरमाया मैं भी बस थोड़ी राय लैनी सी, मैं तो करो इस तरह चलिया कश्तियाँ जला के नानी की हदीस जी पूरी होने का वेला करीब आ गया है। मेरे इमामी अली मुकाम मुसलमान चलते जाते नहीं, राह विच एक जगह पड़ाव किया, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, मुस्लिम बिन अकील की एक धी है, इमाम हुसैन की बारगाह आई, इमाम हुसैन ने सीने न लाया मत्था चुमया, मुस्लिम बिन अकील की बेटी हो धियाँ भी तो सईदा दियाँ सन, सादात दियाँ बेटियाँ ने ना, और सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र वो बच्ची होती है जो सादात की निसा, सदात सादात की बेटियों, सादात की खवातीन के नक्शे कदम पे चलती है। कोशिश करो अपने घर बच्चियाँ सीरत सईदा ज़हरा का मुतालिया कराओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस सिखाओ अपने घर के अंदर, फिर बेहतरी होएगी, फिर लड़ाइए झगड़े मुक जाएंगे। अरे रोज़ होंगे ना पुत्र ने माँ कत्ल कर दी थी, प्यो कत, ये सब कुछ दीन से दूरी की अलामत है, अगर इनको दीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो कत्ल गारत नहीं होगी, फिर हर बेटा अपने माँ बाप का फरमा बरदार हो जाएगा। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी मेरे करीब आओ, सीने न लाया जनाब इमाम मुस्लिम की बच्ची, मुसलमान भाइयों मुस्लिम की बच्चिया ने भी आका ये बाबा जाने प्यार कर दो जिम्मे यतीमान नाल प्यार करी दे। मेरे इमाम ने फरमाया हाँ बेटी तू यतीम हो गई, तेरे बाबा जान शहीद हो गए ने, तेरे वीर भी शहीद हो गए ने, सब तो मुश्किल वेला धी वास्ते उदों हुंदा है जदों दा प्यो मर जाए। हाय हाय धियाँ वेखियां तुसीं जनाजे पिछे जांदियां, जनाजा चुकया जांदा धियाँ पर रौला पाउंदियां ने पिछे, खलो जाओ उन्हें पता होंदा है कि प्यो वर्गा प्यार फिर कोई दे नहीं सकता, बाप वर्गी मुहब्बत भरा किन्ने भी होण अल्लाह सब भाइयों को इज्जत अता फरमाए, तो भरावां नूं चाहीदा है भैणां दे प्यो बन जाया करो, वीर नहीं प्यो बनया करो, ताकि बहनों नूं सारी दी सारी जो खाशात होंदियां ने अपने वीर नाल होंदियां ने प्यो दे मरण तो बाद।
मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया शहजादी हो फिक्र ना करो, मेरी बेटी फिक्र ना कर, जे तू यतीम होई है तो शकीना भी यतीम होगी, जे तेरे वीर जबाए नहीं तो सुगरा तो शकीना के वीर भी जबाओगे मुसलमान भाई हो। फिर काफिला टुटदा टुटदा मंजिला तय करते करते एक चटियल मैदान आया, इमाम ने फरमाया कि जगह है, जवाब आया इन जनाब मैदान करबला आख्या जाता है। हजूर मेरे इमाम ने फरमाया इतने खैमे ला दियो, वो मैदान जरा नाने ने मैनू ख्वाब अंदर विखाया सी। इमाम हुसैन ने शहीद होना है, उ समझ आ रही बात ही तुम, आपने शहीद होना है तो आपने उस जमीन के पैसे पहलों अदा किए। इमाम दसिया भी कब्जा करके दरबार नहीं बनाने जमीन उ जगह तू कब्ज होने वास्ते प्यो का दरबार बना छड़िया, फिर मैं ये नहीं करना, मैं हुसैन होके जो तो पैसे देना पिया पहले उस जमीन दे, शुक्रिया पहले हुसैन ने उस जमीन दे पैसे अदा किए, फरमाई थे सारी कब्र बनिया, कोई ना आखे हुसैन ने आके कब्जा कर लिया। मेरे इमाम अली मुकाम जिसने मुसलमान भाइयों फरमाया डेरे ला दियो, यही मेरी आखिरी आराम गाए, दो मुहर्रम सादा दे खैमे लगे ने, वक्त बीता जाता है। हुसैन रोज खुतबा इरशाद फरमाते हैं, हुसैन फरमाया वेखो मैं कौन हाँ, मेरा नाना नबिया का सरदार है, मेरा बाबा बलिया का सरदार है, मेरी अम्मी जनती औरतों की सरदार है, मैं हसन मुश्तबा का वीर हाँ। उन्हें कहा हुसैन बैत कर ले, जंग कर ले। इमाम ने फरमाया बैत करनी नहीं, जंगा तो डरने वाले नहीं, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। पर मैं डरने वाले बिकने वाले झुकने वाले नहीं, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, पर मैं ते प्यार दा पैगाम देने वास्ते आया, अमन दा पैगाम देने वास्ते आया। छोड़ो लड़ाई अंदर की रखे हो, अपनी आखत खराब ना करो, जहन्नम दे ईंधन ना बन जाओ, मैनू पहचानो मैं कौन हाँ, पहचानो मैं कौन हाँ, मेरा नाना नबिया का सरदार जे जिदा कलमा पढ़ दे, उसे मुहम्मद का मैं पुत्र हाँ, मौला कायनात का पुत्र हाँ, जिदे पिछे कूफे वाले नमाजा पढ़ते रहे ने, असने मुश्तबा का वीर हाँ, जिन्हें अपना ताज सखावत किया हो। उन्हें कहा हुसैन सब कुछ गलों की सू परवाह कोई नहीं, नस्बत का सू एहतराम कोई नहीं, असं नहीं जानते तेरी नस्बत को लड़ाई कर या जंग कर या बैत कर ले। मेरे इमाम ने फरमाया खुतबा मुकम्मल हो, मुसलमान भाइयों सत मुहर्रम सदा पानी बंद कर दिता गया। पानी क्यों बंद किया गया सी? सैयदां नूं कमजोर किया जाए, एक कमजोर होने ते सैयद काबू नहीं आने, खूने हैदरे करार ने। और तारीख दसती है जदों अब्बास अलमदार का सर कट के यजीद के दरबार में आया ना, तो यजीद के दरबार च ईसाई बैठा से, ईसाई उन्हें क्या सिर के बंदे का, उन्हें आखिया दा नाम अब्बास, अब्बास अली का बेटा है। उन्हें आख्या मैं कसम चुकना रब की, ईसाई आंदा है ये बंदे ने जंग ही नहीं लड़ी, हाय 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 ये बंदा लड़िया ही नहीं, ये लड़िया आंदा ते कोई कूफी जिंदा बच जाता मैं नहीं मनता, ये लड़िया ही नहीं, हाय हाय हाय। उन्हें आख्या मैनू पता है लड़िया नहीं, ये तारीफ पे पानी लैं, पानी लैन गया अगर लड़ाई नहीं की, अगर अब्बास लड़ पा किसी कोई जरा बुजदल खूफी से जिंदा नजर ना आता। मेरे इमाम अली मुकाम जिस अठ सत मुहर्रम नई पानी बंद हो गया, अठ भी गुजर गई, नौ की रात, नौ से दस की रात आ गई। मुसलमान भाइयों मेरे आका हुसैन तशरीफ फरमा ने फरमाया अकबर मेरे करीब आओ, अजीब बाबा जान हुक्म होवे। फरमाया शहजाद आ सुबह मैदान जड़ा है मैदान कारजार बन जाएगा, इतने जंग होगी, लाशा के अंबार लग जाने ने, सानू पता है दुश्मन के अजायम ठीक नहीं, ये मेरे खून का इरादा रखते ने, मेरे कतल का इरादा रखते ने, सब कुछ जबाओ जाएगा जी बाबा जान हुक्म होवे। पर मैं जा शहजाद आ जरा मैदान का जायजा लैके आओ, ये मैं अपनी किताब हुसैन मदीने से करबला तक कुछ सारा लिखे है जो मैं अर्ज करना चाहना, गौर करना जरा। जनाब अली अकबर हुसैन ने बने हुसैन का पुत्र मैदान में गया, मेरे वेखना जरा, सज्जे ध्यान मारा दा देर आए, खब्बे ध्यान मारिया, अगे वेख्या पिछे वेखिया, करबला मैदान दी चारे नुकरां वेखियां, चारे कोने वेखे, चारे कूटां वेखियां। इमाम का पुत्र इंज वेंदा वेंदा वेखिया, दरमियान में नज़र गई ना, जदों दिल से हाथ रख लियो, आंसू हुसैन की अमानत ने। प्यो तो भी रोंद हो, माँ तो रो पेंदे हो, भरावान तो रोंद हो, भैन तो रोंद हो, औलाद तो रो पेंदे हो ना, जे हुसैन में रोवे को कुफर नहीं होने लगा। इतने तो रोना असल बनता है जिथे तेरे आंसू आ जाने ते तेरे तेरे ते मेरे गुलामों धोन वास्ते काफ़ी ने। याद रखना मेरे दोस्तों,
हुसैन दे गम में रोना मेरे नबी दी सुन्नत है। सुन्नत मुस्तफ़ा, सुन्नत की बात करने वालों ये भी एक सुन्नत है, इसे भी अपनाया करो। ये भी एक सुन्नत है मेरे आका की हुसैन के गम में रोना। शाते हुसैन सुन के हजूर रोए जान, अहले बैत रोए। अकबर जिसने वेख्या ना मैदान करबला दरमियान अंदर एक औरत बैठी है, उनका जिसम सारा टकिया है, बुरका पाया है, ते नाले दर्दनाक आवाज़ ना रो रही है, नाले मैदान अपने बुरके नाल मैदान साफ कर दिए। अकबर हैरान हो गए, बीबी कौन है? इमाम दे पुत्र ने जवाब सवाल किया, बीबी कौन है? आवाज मारिया, बीबी कौन है? मैदान में चौन वाली रात की तारीकी मैं की करा? गल्ला बड़िया जेन चौंदिया ने। जदों किसी के घर तजियत करन जाइए, हुण मैं वेखना भी आंसू किदे किदे कोल, जिदे अपने जाती वापस लै जाना, जिदे हुसैन दे इत्थे दे जाना, इत्थे दे जाना। गौर करना, पहले सुन लेना। जदों किसी के घर फौतगी हो जाए, तजियत वास्ते जाइए, अफसोस वास्ते जाइए, जुमला सुन, तो जिंदगी पहली बारी सुन लगे जिंदगी, और मैं जिंदगी पहली बारी बयान करना, पहली बारी बयान करना। जदों अफसोस करन जाइए ना किसी के घर, तो जिन्हां की फौतगी हुई होंगी, शहीद तो शहीद ने ना, एक मिसाल देने पर मसला समझ आसानी पैदा हो जाए। वो आने वाला जदों इस कदर रोंदा है ना, तो घर वाले की तवज्जो वो वल हो जाती है, हाय 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 हाय, वो ध्यान करते कौन है एडी मुहब्बत रोन वाला? घर वाला उठ के उन्हें आप पानी पिलाता है, आंदे यार ते जे बहुता प्यार आ जाए उन्हें गल्ला भी ला लेंदा है, हाय 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 गल्ला भी ला। मैं क्या गमे हुसैन में रोन वाले हो? जे मुस्तफा की निगाह पै गई हो सकता है औजे कौसर का जाम भी पिया दे ते सीने नाल भी ला दे गमे हुसैन च रोन वाले। रोंदा वही होंगे जो तलक हो। अली अकबर ने आवाज मारी, बीबी कौन है? जवाब नहीं आया। फिर मेरे इमाम दे बेटे आवाज मारी, फिर जवाब नहीं आया। तीन मरतबा आवाज मारी, जवाब नहीं आया। अकबर वापस तुर पे ने, आख्या पता की आख्या? बीबी रोन वाली है, भावे बोल या ना बोल, बीबी भावे दस या ना दस, तू कौन है? पर मेरा दिल आंदा है तू कोई गैर नहीं, साडी अपनी लगनी है। बीबी कोई गैर नहीं, साड़ी अपनी लगनी है। इमाम दा पुत्र वापस आया, इमाम ने फरमाया बेटा बहुत देर लगा दीती है, अर्ज की बाबा जान एक अजीब मामला वेखिया। मेरे इमाम ने फरमाया की मामला वेखिया? बाबा जान एक बुरका पोश खतून मैदान दे विच बैठ के नाले जारो कतार रो रही सी, बाबा नाले मैदान नूं साफ कर दी सी। अबू अकबर आंदे बाबा पता नहीं मेरा दिल क्यों करदा सी कि मैं इस बीबी के कोल बह जा, ते बाबा मैं को उठा। बाबा मेरा दिल करता सी, पता नहीं अबू क्यों, हूँ नहीं पता बीबी कौन है। हजूर मेरा दिल करता सी, हूँ दिल ते हाथ रख के जुमला सुनना, तड़प जाओगे हुसैनो हुसैनियों। बाबा जान दिल नहीं सी करता उठ के आने, अबू पता नहीं क्यों मेरा दिल करता सी मैं इस बीबी नू करबला तो लग के मदीने तो लग के ते करबला तक दी सारी दास्तान सुना दिया। असी बड़ी मुश्किलों नाल आए, साढ़े ते पानी भी बंद है, बाबा पता नहीं क्यों दिल करता सी मैं इस बीबी नू सारियां गल्लां सुनावां। मेरा उस मेरे बाबा जान भी प्यासे ने, मेरी सकीना भी प्यासी, बाबा पता नहीं मेरा क्यों दिल करता सी इस बीबी को उठ के ना जावा। इमाम ने सीने ला लिया और मैं सदा दिया आ मैं तुम दसना बीबी कौन है जिंद को उठ के आ दिल नहीं करता तेरा। जी बाबा जान फरमाओ। फरमाए सदा दिया ओ बीबी जिन मिल के आया मेरी मां फातिमा तू ज़हरा है। जिन्हां मावां दे पुत्र विछड़ जांदे ने लोको, उन्हां मावां कोलों पुछो झूठियां तसल्लियां दिंदे हो लोकां नूं। रोया ना करो, मज़बी बहरूपी और शर्म नहीं आउंदी हुसैन दे गम च रोकण वाले हो। जनाबे जहरा की कबर ते जाके पुछो जदों पुत्र जबाओ गए जहरा की बीती, जदों हुसैन जबाओए जहरा सुनाओ जदों तेरे हुसैन दे जिसम चो जान निकली कबर ते पुछ जाके सजदा जहरा पाक कोलों, बीबी असी तजियत वास्ते
बीबी तेरे हुसैन ते जुलम होए मेरा ईमान और अकीदा आंदा है लोको मेरे नबी दे मदीने जाओ मदीने दे दरो दीवार चो भी रोण दी आवाजा आनिया ने हुसैन की शहादत एडी दर्दनाक है। इमाम ने फरमाया अकबर जी बाबा फरमाया बेटा मेरे शहजादिया जरा इंज कर हाँ अजान का वेला हो गया वाह सजदो तुहाडी अजमत तो सदके जावां जड़े भुखे ते प्यासे रह के अजान फिर भी नहीं भुले फरमाया बेटा अकबर अजान आखो अकबर दे टीले ते खड़े हो गए ने मुसलमान भाईओ इमाम दा पुत्र दे टीले ते खड़ा हो गया है अकबर खलो गए ने आखे बाबा मुँह किधर करां अबू नु काबे दी समता पता नहीं अबू किधर मुँह करके बांग आखा अबू मैं किधर मुँह करके अजान आखा इमाम अली मुकाम दा पुत्र गुफ्तगू कर दे पिया हाथ चो आवाज आती है अकबर साढ़े वास्ते प्यासे रहन वाले साढ़े वास्ते वतन छोड़न वाले हो हुसैन मेरे वास्ते पुत्र लैके आ गया है मेरे वास्ते प्यास बर्दाश्त करना है पिया हुसैन अगे तो लोग काबे वल मुँह करके अजान पढ़ते ने हुसैन अज अकबर नु आखो जिधर मुँह करके अजान पड़ेगा काबा उधर ही कर दिता जाएगा। इमाम दे पुत्र ने अजान शुरू की थी। तीन दिन का प्यासा तीन दिन का भुखा सफर बर्दाश्त कर दे लोगों बड़े सौखे मुसलमान बन गए आप चार नमाजा पढ़िया तो मुसलमान बांगा दितियां तो मुसलमान इस्लाम किवें बचदा है कदी करबला विच चल इस्लाम किवें बचिया है कदी करबला दे जर्रियां कोलों पुछ इस्लाम किवें बचदा है कदी जनाबे जैनब दी कबर ते चल जैनब दे कदमां विच खलो के पुछ बीबी इस्लाम किवें बचिया है जैनब दी कबर चो सिसकियां दी आवाज आएगी आखणगियां जे जदों इस्लाम बचाना होवे फिर वीर कुरबान करने पैंदे ने पुत्र कुरबान करने पैंदे ने। अकबर ने अजान आखी अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद होई पूरा गिलमान दादे शुजा दादे फसाहत बलागत दे रहे ने सुभान अल्लाह कहंदे पए ने वाक बरतरी अजान तो सदके जाइए। इमाम दे पुत्र ने अजान मुकम्मल फरमाई अजान मुकम्मल कीती हुसैन फरमाया फजर दियां सुनतां अदा कर लो जिसने नमाज वास्ते तैयारी कीती आका हुसैन कूफियां दे खैमे वल मुँह कर लिया फरमाया हुसैन आखिरी जमात कराउन लगे फरमाया फिर ना आखना दस्या नहीं तुसी समझो ये जमात हुसैन नहीं करा रहा मदीने दा ताजदार करवा रहा है। एक शख्स बड़ी तेज रफ्तारी नाल एक सवार हुसैन दे खैमे दे दरवाजे ते खड़ा हो गया हुसैन तकिया कौन है नाम सी होर इमाम ने फरमाया किवें आए कोई इतला देनी हो लड़ाई की खबर देना है हाथ जोड़ के आंदा आका एक मिनट नाल गल ते करो इमाम फरमाया दस उन्हें कहा हजूर नौकर कभी गलतियों में तो कर ही जाते हैं आका मैनू ये फरमा मेरे ते जन्नत के दरम्यान कितना क फर्क है। इमाम ने फरमाया जिन्ना सवारी तो उतर के आने तक मेरे तक फर्क है इन्ना तेरा सब कुछ छोड़ के आका हुसैन की बारगाह जाके पीछे नमाज नीत ली मेरे इमाम ने आखिरी जमात कराई लोगो इमाम अली मुकाम जमात करा रहे ने अहले बैत इत्तेहाद दे फराद प्यासे नमाज पढ़ते पे ने मेरे इमाम ने सलाम फेरे जले आका हुसैन सलाम फेर ले सलाम फेर के मेरे इमाम अली मुकाम दुआ मंगी है आखे मौला इस्तकामत अता फरमाई तेरे दीन वास्ते आए हैं तेरी तौहीद दा परचम बुलंद करन वास्ते आए हैं तेरे महबूब दे दीन वास्ते आए हैं मौला सानू इस्तकामत अता फरमाई मौला सबर अता फरमा दी छोटे छोटे बच्चे भी काफले दे अंदर ने मौला सबनू हिम्मत ते जुरत अता फरमा दी दुआ करके मेरे इमाम खैमे के दरवाजे ते तशरीफ लैके आ गए इमाम खैमे के दरवाजे ते तशरीफ लैके आ गए ने फिर इमाम ने अल्लाह की वहदा नीयत बयान की थी इमाम उल्लंबिया की रसालत बयान की थी दस्या कूफे वालियो असी होवां जिन्हां वास्ते कुरान की आयात आईया ने असी होवां जिन्हां वास्ते आयते मुबद्दत आई है आयते तकहीर आई है फिर इमाम ने तारफ करवाया फरमाया जन्नत के जवानों का सरदार मैं ते मेरे वीर हाँ मेरा बाबा अली है जन्नत की औरतों की सरदार मेरी अम्मी ज़हरा है तमाम कायनात का मालिक मुख
मुख्तार मेरा ना ना है, मेरी निस्बत नूं पहचानो, अपने आप नूं जहन्नम विच ना लैके जाना, पर मैं पहचानो। उन्हें कहा हुसैन कोई बात है, वाजो तकरीर ना कर, असी किसी निस्बत का हया नहीं करते, सानू जिहड़ा पैगाम मिले हुए सानू जिहड़ी हिदायत ने। और यजीद आख्या सी हुसैन बैत कर ले ते ठीक है, नहीं ते सर भी उतार देना। असी दिरमो दिनार वास्ते आए हाँ, मेरे इमाम फरमाए तमाम हुज्जत पूरा हो गया, लो खुतबा मुकम्मल हो गया। इमाम वापस आए, अब्बास अलमदार वाल वेख्या। मुख्तसर बात यह है, फिर बाकी फिर परसों कॉन्फ्रेंस ते मुफसल हो जाएगा। मुख्तसर यह है कि मेरे इमाम ने अब्बास अलमदार वाल वेख्या, फरमाया अब्बास की ख्याल है? अब्बास ने वीर दे हाथ चूमे, वाह अब्बास तेरी वफा तो सदके जावा, यह जे वीर भी मामा रोज़ रोने न जमदियाँ। हुसैन फरमाया अब्बास एक बार सीने ते लग यार, सीने ला के फरमाया अब्बास तड़प जाओ के लोगो। इमाम ने फरमाया अब्बास एक बारी सारी जिंदगी गुजर गई, 34 साल तेरी उम्र हो गई ते 56 साल का मैं हो गया, अब्बास एक बारी ते वीर कह छ। अब्बास एक बारी वीर कह छ, मेरे इमाम दे भाई मौला कायनात दे पुत्र आखे हुसैन तेरी माँ सिगदा जहरा, मेरी माँ उम्मल बनीन, बड़ा फर्क है प्यो भावे के मामा का बड़ा फर्क है। हुसैन जेड़ा मजा तेरी गुलामी के अंदर है तेरे पुराण अंदरों मजा नहीं होगा। आका हुसैन मशवरा लिया, अब्बास मशवरा की, अब्बास आख्या आका एक एक जितनियां जानना सब कुर्बान कर देंगे, पीछे नहीं हटांगे। मेरे इमाम फरमा मरहबा ए अब्बास इब्ने अली, मरहबा तेरी शुजात तो सदके जावा, बस मैदान कारदार सज गया। फिर इंशाल्लाह 10 मुहर्रम वाले दिन जी कॉन्फ्रेंस है अपनी, तुम पढ़ भी रहे हो, 16वीं सालाना शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन कॉन्फ्रेंस, ये अमन मुहब्बत भाईचारे का सबक दिता जाएगा और जिदे अंदर अफरा तफरी दी परजोर मुजम्मत की जाएगी और जिद शहादत हुसैन बयान की जाएगी। शहादत इमाम अली मकाम दर्श दे गई है कि लोगों जब कोई बदअमन सामने हो तो फिर जान देने से भी गुरेज नहीं करना, यही है पैगाम हुसैन। और अशूरे दा दिन 10 मुहर्रम अपील करांगा सारी कौम के पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने लोग सारे इंतजामिया नाल पुलिस नाल तावन करो, और असी CPO साहेब और कमिश्नर साहेब जितने भी RPO साहब नूं असी खराज अकीदत पेश करांगे, जिन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम इस वक्त किए ने बड़े अमन के हवाले नाल, तुसीं भी तावन करो किते बदअमनी किसी ऐसे मौलवी तकरीर नहीं सुननी जिहड़ा बदअमनी फैलाए, जो असहाबे रसूल ते तनकीद करे बिल्कुल नहीं सुनना, अजवाजे रसूल आदे रसूल दे बारे गल ऐसा नहीं सुन, बल्कि अपने आप नूं अमन का पैगंबर समझ के अमन वाले समझ के अमन का जरा मेजर रोल प्ले करना है। अल्लाह मदी तौफीक अता फरमाए। आज चोली वाले हजरात आ